नमस्ते, मैं हूँ बाल रोहाकी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट टू कश्मीरी फैमिलीज जो ऑब्वियसली कश्मीर को रूल करते हुए आए हैं. जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वी नीड टू रिमूव द फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स. एक फैमिली है द अब्दुल्लास. फारूक अब्दुल्ला 3 बार कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने. उनके सन उमर अब्दुल्ला 1 बार बने. जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे तब कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड हुआ और दोनों बाप बेटे ने कभी भी कुछ एफर्ट्स नहीं किए टू रिहैबिटेट द कश्मीरी पंडित्स बैक इन कश्मीर. इनके अलावा द दूसरी फैमिली है महबूबा मुफ्ती की. उनके फादर का नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद और वो डिफेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट के अंदर, जब उन्होंने ये नोशन फैलाया लोगों के सामने कि उनकी डॉटर रुबीना सैयद किडनैप हो चुकी है और उनकी रिलीज़ के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू रिलीज़ 5 हार्डकोर टेररिस्ट, जिनमें से 2 टेररिस्ट शायद पाकिस्तान के थे. अब ये दोनों फैमिली के ऑफस्प्रिंग्स आज की तारीख में महबूबा मुफ्ती ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद एंड उमर अब्दुल्ला एज वेल एज इज फादर फारूक अब्दुल्ला, जो अभी भी एक्टिव स्टेटमेंट्स देते हैं, ये नहीं चाहते कि आर्टिकल 370 निकले. तो ऑब्वियसली जब तक आर्टिकल 370 नहीं निकलेगा कश्मीर के अंदर कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कश्मीर के अंदर पॉवर्टी ही रहेगी. मगर फारूक अब्दुल्ला ये चाहता है कि उसको सिक्योरिटी मिले फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, जबकि कश्मीर के अंदर रहने वाले कोई भी कश्मीरी नागरिक टैक्स नहीं भरता. टैक्स कैसे भरेंगे, वहां पे कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ही नहीं, वहां पे तो सिर्फ वही पेड़ है, स्नो है और आतंकवादी है. तो ये कश्मीरी पॉलिटिशियंस जो ऑब्वियसली फैमिली डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, वो एक्चुअली कश्मीरियों का भला नहीं चाहते. वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर टूरिज्म डेवलप हो, कुछ नई ब्रांड्स, कॉरपोरेट हाउसेस आए, इन्वेस्टमेंट करे, लोग आए, ट्रैवल करे और कश्मीरी लोकल लोगों को एडवांटेज हो, वो पैसा बनाए. वो सिर्फ अपना सत्ता पाना चाहते हैं और ये गंदी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जो वो करते हुए आ रहे हैं 70 साल से, और इनको सपोर्ट मिलता हुआ आ रहा है बाय द यूपीए सरकार, बिकॉज यूपीए सरकार ने इतने साल हमको रूल किया है. सो नाउ एज इंडियन सिटीजन्स वी नीड टू एंड दिस फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स वेयर एवर वी सी देम, बिकॉज जहां पे भी फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये थॉट प्रोसेस को प्रमोट करता है, उस फैमिली के लोगों को आप इलेक्ट मत करिए. दिस इज माई ओनली दरख्वास्त एज एन इंडियन सिटीजन, क्योंकि मैं अपने देश को तोड़ना नहीं चाहती और मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहती इन पावरफुल पोजिशंस जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो कश्मीर क्यों ना हो, चाहे वो केरला क्यों ना हो. अब बिकॉज फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती हैव बीन मेकिंग स्टेटमेंट्स कि अगर आर्टिकल 370 निकल गया तो ऑब्वियसली कश्मीर वोंट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड देन कश्मीर विल हैव अ न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड ब्ला 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 और आतंक हो जाएगा. एंड इन फैक्ट महबूबा मुफ्ती वेंट टू अ सर्टन एक्सटेंट वेयर शी सेड, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में. मतलब शी इज टॉकिंग शिट. हाउ कैन शी से कि हिंदुस्तान मिट जाएगा. देखिए हिंदुस्तान तो मिटेगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी हिंदू रहते हैं जो राष्ट्रवादी हिंदू हैं, आपकी तरह यू नो करप्टेड इंडियन मुस्लिम नहीं है. तो हिंदुस्तान को तो हम मिटने नहीं देंगे, बट बिकॉज यू एंड योर पार्टनर ऑब्वियसली फारूक अब्दुल्ला आर प्रमोटिंग दिस थॉट प्रोसेस, एक PIL फाइल करी गई इन द हाई कोर्ट, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट टू बैन फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शंस. तो उसके ऊपर महबूबा मुफ्ती ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, क्योंकि जैसे ही आर्टिकल 370 निकल जाएगा कश्मीर वोंट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर पे लागू नहीं होगी. सो ये लीडर्स एक्चुअली ये नेगेटिव हेट्रेड वाली थॉट प्रोसेस प्रमोट करते हैं. वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, वो चाहते कि कश्मीर वैसे का वैसा रहे जैसे 70 साल से पड़ा हुआ है, ना कश्मीरी लोग टैक्स भरे. अगर वो पैसा ही नहीं कमाएंगे तो टैक्स कैसे भरेंगे, बस वो ऐसी पॉवर्टी में मरते रहे, आतंकवादी बनते रहे, पत्थर फेंकते रहे इंडियन आर्मी के ऊपर, जब तक ये पॉलिटिशियंस को फायदा हो रहा है फ्रॉम विच एवर कंट्री दे आर गेटिंग देयर फंडिंग. तो एक्चुअली द सिक्योरिटी ऑफ महबूबा मुफ्ती, द सिक्योरिटी ऑफ फारूक अब्दुल्ला, द सिक्योरिटी ऑफ उमर अब्दुल्ला शुड बी रिमूव विच इज प्रोवाइडेड टू देम बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज ये लोग ना टैक्स भरते हैं, ना ऑब्वियसली चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जिसकी वजह से कश्मीरी लोग ऑब्वियसली टैक्स भरे इंडिया को, भारत सरकार को, एंड देर इज इक्वालिटी अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया. ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ये हाइपर टेररिस्ट सिचुएशन बनी रहे ड्यू टू कश्मीर. सो आप सोचिए समझिए, इन लोगों को ऑब्वियसली वोट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये थॉट प्रोसेस प्रमोट करते हैं.
In fact, Yasin Malik was the person who kidnapped Rubina Sayyed, the sister of Mehbooba Mufti, the daughter of defense minister Mufti Mohammad Sayyed. And Yasin Malik ko abhi Tihar jail shift kar diya gaya hai. And because he has been shifted to Tihar jail, Farooq Abdullah is saying ki unke saath zulm hua hai. Yasin Malik was the person who killed 5 Indian Air Force officers also without any provocation. Unhone Rubina Sayyed ko kidnap kiya, ye bhi unhone kabool kiya hai. Magar Yasin Malik jail jaate hai to Farooq Abdullah ko dukh hota hai. In fact, Mehbooba Mufti ko bhi dukh hota hoga, jinki sister ko Yasin Malik ne kidnap kiya tha. तो अभी आप इन लोगों की सच्चाई समझिए, ये लोग कितने बड़े ढोंगी हैं, ये लोग अपने भाई बहनों का किडनैप करवा अबडक्शन करवा देते हैं और हार्ड कोर टेररिस्ट को छुड़वा देते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, एंड देन दे प्ले दिस विक्टिम कार्ड की ओ माई गॉड ऐसा हो गया, ओ माई गॉड वैसा हो गया. सो गाइज प्लीज थिंक, फारूक अब्दुल्ला, ओमार अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ऑब्वियसली दे बिलोंग टू द फैमिलीज जिनके पेरेंट्स कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू बी वोटेड बैक इन टू पावर बिकॉज ये कश्मीर और कश्मीरी लोगों के फायदे में, हित में नहीं सोचते. एंड यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जो ऑब्वियसली ये वीडियो कश्मीर में भी देखते हैं एंड आर गोइंग टू गो आउट एंड वोट फॉर इलेक्टिंग देयर चीफ मिनिस्टर. नमस्कार.